ठीक है जी, अब चलते हैं इसको बनाना किस तरह। इस शॉप को बहुत ही ज़बरदस्त है, पाँव को गोरा चिट्टा कर देगा आपके पाँव को, ठीक है जी। दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इन चीज़ों का रिजल्ट है। नींबू जो है वो एक ब्लीचिंग काम करता है, और हल्दी जो है वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ब्राइट कर देती है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने हल्दी, नींबू का रस, आधा नींबू का रस डाल दिया, साथ में हमने ये जो सौंफ का पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो में ये इसी को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजी रह जाता है। आप ग्रेट करने से ज़्यादा बेहतर रही कि आप इस तरह का ना पाउडर बना के रख लें, तो आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, हमने करनी है इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये आपकी एड़ियाँ खुरदरी हो गई हैं, ठीक है, उनका कलर ख़राब है। अब मेरे चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त सी मैंने एक क्रैक हील की रेमेडी है मेरे चैनल के ऊपर, फुट क्रीम है। फुट के लिहाज से मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई हैं। फुट क्रीम, फुट वॉश है, और ये भी फुट वॉश है, और एक फुट क्रीम है, और इस तरह की बहुत सी क्रैक हील के लिहाज से भी है। आप देखिएगा और आप इनको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ये देखिए मैम, ये जो टूथपेस्ट है ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी। क्या क्या डाला मैंने इसके अंदर, इसके अंदर मैंने साबुन, ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, टूथपेस्ट, कॉलगेट लीजिएगा, हल्दी लेनी है, नींबू का रस लेना है, ठीक है। अच्छे से अपने पाँव के ऊपर आपने इसके साथ ना मसाज करना है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे अरके गुलाब। ये एक थिक सी पेस्ट जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके सौंफ का जो पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए थिक सी पेस्ट बन जाएगी ये। बिल्कुल ऐसे देखने में लग रहा है ना जैसे ये उबटन है, इतना ही ज़बरदस्त इसका, जैसे बाजारी उबटन लाते हैं ना उनका क्या रिज़ल्ट आएगा, जितना इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने ना पहले ट्राई की होती हैं, उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ भाई इसको इस्तेमाल करने से ये हो जाता है। अगर आपको लगे कि अब इसको एक खुले मुँह की बॉटल के अंदर आपने इसको डाल के रख लेना है, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक हो गया, काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया, ऐसे चम्मच से उठाया नहीं जा रहा, तो कोई मसला नहीं, आपने इसके अंदर थोड़ा सा अरके गुलाब को और ऐड कर लेना है, ठीक है जी। ये देखिए जैसे मैं अभी थोड़ा सा अभी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो सौंफ था वो 1 टीस्पून जितना था, ठीक है, तो फिर ये ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। ये देखिए ये ले, ठीक है। अब आपने इसको अपने हाथ पे लगा के अपने फुट के ऊपर मसाज करिएगा। ये देखिए मैं आपको अपने फुट के ऊपर भी इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से आपने, अच्छे से अपने फुट के ऊपर इस तरह मसाज करना है।
जितना अच्छा आप इसको मसाज करेंगी इतने ही आपके अच्छा आपका ना फूड का कलर हो जाएगा। ठीक है, डेली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने कोई ऐसी केमिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं, सोप का भी तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमने इसके अंदर बस क्या इजाफ़ा किया है, हमने टूथपेस्ट डाल ली है, हल्दी और नींबू का रस का इजाफ़ा किया है, तो ये इफेक्टिव हो गया ना सोप आपके लिए। ठीक है, अभी मैं देखें इस अपने फूड को वॉश करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है मेरे फूड के ऊपर। अच्छे से फिंगर के ऊपर आपने मसाज करना है। ये देखें फ्रेंड, ये मैंने अपने फूड को वॉश किया। ठीक है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है पहले ही वॉश में। अभी मैंने ज़्यादा इसको मसाज किया भी नहीं है, तो इतना सॉफ्ट हो गया ना मेरा फूड। ये देखें अच्छे से फिंगर के साइडों से आपने इस को ना निकाल लेना है ब्रश की मदद से, जो टूथब्रश होता है ना जो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ आपने अपने फूड को वॉश करिएगा। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका मेरे फुट का कलर हो गया है और सॉफ्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है फुट। ठीक है जी, इसी तरह आपने भी इसको लगाना है, इसी तरह आप भी इसको लगाइएगा। ठीक है, और इससे फ़ायदा ले लीजिएगा। इसको आप अपनी जो कि एल्बो के ऊपर लगा सकते हैं, नेक के ऊपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फुल बॉडी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको छोटी बच्चियाँ जो टीन एज होती हैं, स्कूल गोइंग बच्ची हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छे से इसको वॉश करने के बाद अच्छे से जो लोशन होते हैं घर में मॉइस्चराइजिंग लोशन होते हैं उसके साथ आपने अपने स्किन को मॉइस्चराइज करिएगा। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करते रहिएगा। ठीक है, और चंद ही दिनों में आप देखिएगा कि आपको कितना ज़बरदस्त इसका अच्छा सा रिज़ल्ट मिल गया है। ठीक है जी, ये थी आज की रेमेडी, आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। जाते हुए फिर से एक दफ़ा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे बहन भाइयों से अपनी बहन की मदद करिएगा, आगे शेयर करिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को आगे शेयर करिएगा अपनी फैमिली अपने फ्रेंड के साथ। कोई बात आपको नहीं समझ आ रही, कुछ आप पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ जैसे कि मैंने ऑयल की रेमेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप देखिएगा। आप बहन भाइयों की दुआ से वो माशाल्लाह मेरा आलमंड ऑयल सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो जितना के ज़्यादा पसंद किया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आलमंड ऑयल की वीडियो है मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको वीडियो वो बहुत से ज़्यादा ऑयल की रेमेडी हैं, बहुत ही डिफरेंट है, हेयर लॉस के लिए ऑयल बनाए हुए हैं और वैसे भी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक से ऑयल जो कि आम मार्केट से अगर ख़रीदने जाएं तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो वो वाले ऑयल मैंने मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जिसके ऊपर किचन विद हूर वीडियो खोलिएगा, उसके साथ ही प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट के ऊपर मेरे तमाम फोल्डर हैं, आप किसी भी फोल्डर को चेक करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें पसंद आएंगी। तो फिर लेते हैं आपसे इजाज़त, अपना अपनी फैमिली का अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखिएगा। कोई बात आपको फिर